नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। आज के टाइम में एस्थेटिक्स या दांतों का अच्छा दिखना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। या तो आप किसी जॉब में हैं या घर में हैं, जैसे भी हैं, लोगों से अगर आपको मिलना है, उनसे बात करना है और अगर आपके दांत खराब दिख रहे हैं तो ऐसे में आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अब बहुत बार क्या होता है, कुछ लोगों के एक या उससे ज्यादा दांतों का रंग बदल जाता है, या तो वो काला हो जाता है या फिर वो ज्यादा पीला हो जाता है और उन्हें उसमें कोई दर्द नहीं होता और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनके दांत का रंग बदल गया। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों दांत का रंग जो है वो बदल जाता है। बहुत बार हम कुछ सख्त चीज खाते हैं और हमारे दांतों पर चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से वो अंदर से डेड हो जाते हैं। यदि आपका किसी दांत में ऐसी कोई चोट लगी है, या तो बचपन में लगी होगी या फिर किसी ऐसे एक्सीडेंट में, किसी भी तरह से उसमें अगर चोट लगी है और उसकी नसें मर गई हैं, आपके दांत का रंग धीरे धीरे बदल जाएगा, वो ज्यादा काला हो जाएगा। अगर आप बाकी दांतों से कंपेयर करेंगे तो वो दांत आपको काला दिखाई देगा या नीला दिखाई देगा। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो आपके दांत का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर ऐसे दांत का ट्रीटमेंट नहीं किया और बहुत लंबे समय से उसे ऐसे ही छोड़ दिया, आगे जाके उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, दांत के नीचे पस इकट्ठा हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा कि आपके दांत का रूट कनाल ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसके बाद दांत के ऊपर कैप लगा दी जाएगी, तो आपके दांत का इलाज भी हो जाएगा और उसका रंग भी ठीक हो जाएगा। अगर जो आपके दांत का रंग है वो किसी बाहरी स्टेन की वजह से चेंज हो गया है, तो ऐसे केसेस में भी हम दांत को घिस के उसके ऊपर डेंटल विनियर चढ़ा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि अगर सिर्फ बाहर की तरफ से स्टेनिंग है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कराने की क्या जरूरत है। जब दांतों में स्टेनिंग होती है तो दांतों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जिसमें खाना जमा हो जाता है। ऐसे में दांत वीक होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में ये बहुत हल्की होगी पर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। दांत के अंदर तक इन्फेक्शन ना पहुंचे इसके लिए हमें दांत को ठीक कराने की जरूरत होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा पता भी नहीं चलता कि उनका कोई पर्टिकुलर दांत मर गया है, उसके अंदर की नसें कट गई है। तो अगर आपको भी कोई ऐसी समस्या है तो इमीडिएटली अपने डेंटिस्ट से कॉन्टेक्ट करें। अगर आप हमसे अपना इलाज कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही आपको हमारे चैनल की सारी डिटेल्स मिल जाएगी।